हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम। आज मैं आपके लिए जो आपका सितंबर में नेवी डबल एसआर का एग्जाम होने वाला है उससे बहुत सारे कंफ्यूजन और डाउट क्लियर करने आया हूं। तो देखिए, जैसा कि नेट पर काफ़ी तस्वीरें वायरल, एक तस्वीर वायरल हो रही है, उसमें दिखाया जा रहा है कि हमारे एडमिट कार्ड 12 से 13 सितंबर तक आ जाएंगे और 19 से हमारे पेपर चालू हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ भी अभी ऑफिशियल साइट में नहीं दिखा रहा, मैं आपको ऑफिशियल साइट पर ही लेकर आया हूँ। देखिए, यहाँ पर व्हाट्सएप न्यू में भी ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाता, और जहाँ पर हम लोग चेक करते हैं जाकर करंट इवेंट में, देखिए इसको मैं खोल कर आपको दिखा रहा हूं, तो इसमें केवल दो ही चीजें आपको शो कर रही हैं। ये देखिए, दो कीवर्ड शो कर रहे हैं, क्योंकि 30/8/2019 को प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेट INCET TMM 1/2019, और दूसरी है जो 22 तारीख को हमारी मेरिट लिस्ट आई थी MR October 2019 बैच की। तो अभी नेवी के एग्जाम के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है, केवल हम उसके बारे में कह सकते हैं कि INET का हमारा एग्जाम जो होना है सितंबर के सेकेंड वीक में, उसके हमारे एडमिट कार्ड लगभग 10 दिन में आ जाएंगे। और इस साइड में ऐसा कहीं पर भी नहीं दिखा रहा है कि हमारा एग्ज़ाम 19 तारीख से चालू हो जाएगा या हमारे एडमिट कार्ड सितंबर के सेकंड वीक में आ जाएंगे। जैसे ही कोई आप अपडेट आएगी तो मैं आपको जल्द से जल्द अपनी डिफेंस एग्जाम चैनल पर सबसे पहले आपको सूचित करूंगा। तो मेरे चैनल पर स्टे अपडेटेड बने रहिए आप, और सबसे पहले आपको मेरे ही चैनल पर एडमिट कार्ड की लिंक मिलेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें। और एडमिट कार्ड से संबंधित आप लोग टेंशन मत लीजिए, अगर आपको पेपर तो होना ही होना है, तो सितंबर में ही हो जाएगा ये बात भी निश्चित है। तो हमारे एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल हो जाएंगे हमारे लिए, ऐसा भी कुछ भी साइट में नहीं दिखाया जा रहा, तो परेशान मत होइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।